नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 4 जून 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जिससे उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहेगा। लेकिन विद्यार्थियों को आज लापरवाही करने से बचना होगा व इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। वृषभ राशि। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। माता पिता की सेवा में आप दिन कुछ समय व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन आपको आज किसी पिछली गलती से सबक लेना होगा। आप किसी को धन उधार देने से भी बचें। मिथुन राशि। आप अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में कार्य का बोझ बढ़ने से आप परेशान रहेंगे। जीवन साथी सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रहेगा, जिसके कारण लोग आपके स्वभाव से परेशान रहेंगे। आप आज कुछ करने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। कर्क राशि। भाई बहनों से सहयोग से आपके सभी काम आसानी से बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप किसी काम के लिए ज्यादा टेंशन ले सकते हैं, जिसका असर आपके बाकी कामों पर पड़ेगा। आपको किसी परिजन की सलाह पर चलने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको कोई सलाह दे सकते हैं। सिंह राशि। कार्यक्षेत्र में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम आसानी से बन जाएगा। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकुलता बढ़ सकती है। फिर भी आपको यह सोचना होगा कि किसे पहले करूं और किसे बाद में। कन्या राशि। आपकी किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा पूरी होगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपने कुछ जरूरी कामों को लेकर अपने माता पिता से बातचीत कर सकते हैं। बारी है तुला राशि की। अपने माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें, नहीं तो उनको कोई पुराना रोग उभर सकता है, जो उनके लिए कोई बड़ी समस्या लेकर भी आ सकता है। आप अपने किसी मित्र से अपने मन की बातों पर बातचीत कर सकते हैं। आपका माताजी से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है, जिससे आप परेशान रहेंगे। बात करें वृश्चिक राशि की। व्यवसाय की कुछ योजनाओं की ओर आप पूरा ध्यान लगाएंगे, इसलिए आप एक लक्ष्य को पकड़कर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने भोजन को पौष्टिक आहार रहने दें व तले भुने हुए भोजन से परहेज रखें। घर परिवार में यदि कोई अनबन चल रही है तो आप उसे बातचीत के जरिए समाप्त करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आपको दोनों पक्षों की बात सुनकर ही निर्णय लेना होगा। बारी है धनुराशि की। आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है, लेकिन आपको लाभ के अवसर मिलते रहेंगे, जिन्हें पहचान कर आप उन पर चलकर अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आप अपने मित्रों और सहकर्मियों का पूरा साथ देंगे। वरिष्ठ सदस्यों से आपको प्रेम व स्नेह मिलता रहेगा। आप भाग्य के भरोसे यदि किसी काम को छोड़ेंगे तो उसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बारी है मकर राशि की। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी आपको क्रोध करने से बचना होगा। आज आप अपनी परंपराओं पर पूरा ध्यान देंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। आपको कुछ आवश्यक कार्यों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो बाद में आपको कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुंभ राशि। आपको किसी भूमि व वाहन के मामले में अपने भाइयों से सलाह मशवरा अवश्य करना होगा। आपके कुछ घर परिवार में चल रही लड़ाई झगड़े से आपको छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है, जिससे आपका खर्च बढ़ेगा। किसी संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। मीन राशि के जातक। प्रेम जीवन जी रहे लोग आज अपने साथी के प्रति निरस भाव रखेंगे, लेकिन उनकी रुचि आपके प्रति कम रहेगी, जिसे देखकर आपको हैरान
होगी और आपका मन भी कुछ परेशान रहेगा। आपको अपने किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी से अपने मन में चल रही सारी बातों को शेयर ना करें। जो विद्यार्थी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उन्हें अपने गुरुजनों से बात करनी होगी, समस्या का हल अवश्य होगा। आइए अब जानते हैं आज के अंक राशि, किन तारीखों में जिनमें लोगों को 4 जून को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपने जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, घर से बाहर निकलने के लिए समय निकालें और अपने विचारों के साथ कहीं शांति से रहें। आप अपने उद्देश्य के बारे में अच्छे से जानते हैं और आपको पता है कि इसके लिए कड़ी मेहनत विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। शुभ अंक 12, शुभ रंग पीला। अंक 2 के जातक, आज का यह दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। आज का दिन नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, यात्रा के भी योग हैं। खुद पर विश्वास रखें और अपने दिमाग के रचनात्मक विचारों को शेयर करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग हरा। अंक 3, आज आपको धन और प्रसिद्धि मिलेगी। आपको जो मिल रहा है आप सच में इसके लायक हैं। जीवन के प्रति आपका रवैया यह तय करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे, तो हमेशा सकारात्मक रवैया ही रखें। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग लाल। अंक 4 के जातक, आपका पारिवारिक समय अभी समृद्ध है। आप उदास महसूस कर रहे हैं और दूसरों के साथ भोजन और अन्य सामान शेयर करने के लिए तैयार हैं। अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करके या कोई शो देखकर अपने कला के प्रति प्यार को संतुष्ट करें। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग हरा। अंक 5 के जातक, उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और इस समय आपके पास दोनों ही हैं। बस एक नई शुरुआत करें। आज आप आशावाद हैं और सकारात्मकता से भरे हुए हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग नारंगी। अंक 6 के जातक, नई परियोजनाओं या संबंधों की शुरुआत हो सकती है। अपना दर्जा बढ़ाने के लिए आप स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं। आज अनुचित जोखिम न लें क्योंकि इसके लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। शुभ अंक 14, शुभ रंग भूरा। अंक 7 के जातक, घर की मरम्मत या नवीनीकरण पर भी सोच समझ कर धन खर्च करें। लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद आप अब खाली समय के अधिकारी हैं। मजा करें किंतु खास पैसों को लेकर सावधान रहें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। अंक 8, परिवार के साथ आपकी रचनात्मकता साझा करें। शांत रहकर आप आज पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपके अंदर का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग लेमन। बारी है अंक 9 के जातकों की। आपका दिमाग किसी नुकसान के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी आप कुछ आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। दूसरों से, खासकर अपने साथी से अपनी चिंताओं को शेयर करें। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 4 2023 रविवार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:44 से, सूर्यास्त शाम 7:05 से, चंद्रोदय 4 जून शाम 7:39 से, चंद्रास्त 5 जून सुबह 6:24 से। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 3 जून सुबह 11:17 से 4 जून सुबह 9:11 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 4 जून सुबह 9:11 से 5 जून सुबह 6:39 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 4 जून सुबह 5:03 से 5 जून रात 3:23 तक। मूल 5 जून रात 3:23 से 6 जून रात 1:23 तक। करण पव 3 जून रात 10:18 से 4 जून सुबह 9:11 तक। बालक 4 जून सुबह 9:11 से 4 जून शाम 7:58 तक। कौलव 4 जून शाम 7:58 से 5 जून सुबह 6:39 तक। योग सिद्ध
3 जून दोपहर 2:47 मिनट से 4 जून सुबह 11:58 मिनट तक, साध्य 4 जून सुबह 11:58 मिनट से 5 जून सुबह 8:48 मिनट तक, अशुभ काल राहु शाम 5:25 मिनट से 7:05 मिनट तक, यमगण दोपहर 12:25 मिनट से 2:05 मिनट तक, कुलिक दोपहर 3:45 मिनट से 5:25 मिनट तक, दुर्मुहूर्त शाम 5:18 मिनट से 6:12 मिनट तक, वर्ज्यम रात 11:55 मिनट से 1:23 मिनट तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 मिनट से दोपहर 12:51 मिनट तक, अमृत काल शाम 7:12 मिनट से रात 8:41 मिनट तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह प्रातः 4:08 मिनट से 4:56 मिनट तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख समृद्धि और आयोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें, 7 परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्ति पीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप है, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत,
हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया चार हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य दो में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम तीन अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन आठों भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन आठ भैरवों के साथ आठ भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में पांच भैरव, पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य तीन सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठों भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चार मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है, जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर।
मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातलवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहां शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।